ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद देश लौटे भारतीय चैंपियन, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। सरकार ने संसद में कहा इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाले एनएसओ ग्रुप के साथ कोई लेन देन नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक आतंकियों की काली करतूत, बीजेपी किसान मोर्चा के नेता और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या। भोपाल विधानसभा में प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन, सीएम शिवराज ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को फिर से किया जाएगा शुरू, 20 अगस्त से प्रोजेक्ट पर काम होगा जारी। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों का अपमान किया है, साथ ही भ्रम फैलाया, घटिया राजनीति की और स्तरहीन राजनीति ही करना बीजेपी का काम बनकर रह गया है। तो भोपाल में आज विधानसभा में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि सीएम ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, तस्वीरें इस वक्त हमको दिखा रहे हैं जहां पर दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का सीएम ने उद्घाटन किया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी उद्घाटन समारोह में सीएम के साथ तमाम नेता वहां मौजूद रहे। भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना हालातों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना फिलहाल काबू में है, बीते दिनों सिर्फ 10 ही कोविड के संक्रमण मामले प्रदेश में सामने आए हैं, वहीं प्रदेश में अब 161 एक्टिव केस ही बाकी बचे हैं। इसी के साथ उन्होंने बाढ़ पर भी जानकारी दी, तो चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कोरोना के क्षेत्र में आज 10 नए मामले पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं और 12 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर गए। 161 लोग अभी पूरे प्रदेश में एक्टिव केस में है। जहां तक वायरस का प्रश्न है तो सामान्य स्थिति कल वायरस की थी। आज ग्वालियर शिवपुरी रेल मार्ग जो बंद था उस पर ट्रायल रेल चलाई जाएगी, जिससे कि उस मार्ग को खोला जा सके। आज टीकमगढ़, भिंड और श्योपुर में आंशिक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। राहत और बचाव कार्य में पूरी ताकत के साथ में सरकार प्रशासन लगा हुआ है। नगरी प्रशासन आयुक्त स्वयं श्योपुर में वर्तमान में इस कार्य। वहीं इंदौर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण होने के खतरे की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए प्रशासन ने नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। सीरो सर्वे के लिए 50 टीमें तैनात की गई हैं, जो इंदौर के 85 वार्ड में से 25 वार्ड से सैंपल लेंगे। 1 से 18 वर्ष उम्र तक के बच्चों के सैंपल लिए जाएंगे। वहीं 1800 सैंपल टीम इकट्ठा करने वाली है, जिसके लिए एक सप्ताह का समय आवंटित किया गया है। सीरो सर्वे टीम में आशा कार्यकर्ता, महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM, नर्स, जोनल मेडिकल ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, NGO को शामिल किया गया है। सीरो सर्वे को लेकर रविंद्रनाथ गृह में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में समझाया गया कि सैंपल को लेकर किस तरह से सावधानी बरतनी आवश्यक होगी।
तो इंदौर में सीरो सर्वे आयोजित किया जाना है, जिसके लिए प्रशासन ने 50 टीमों का गठन किया है। आपको बता दें कि बच्चों में तीसरी लहर को लेकर जो खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर सीरो सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 1 से 18 आयु वर्ष के बच्चों के सैंपल एकत्रित किए जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन ने 50 टीमों का गठन किया है। आपको बता दें कि ये 50 टीमें अलग अलग 85 वार्डों के 25 वार्डों में जाकर सैंपल इकट्ठे करने वाली है। और इसी में आपको बता दें कि सीरो सर्वे टीम में आशा कार्यकर्ताओं, महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM, नर्स, जोनल मेडिकल ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, NGO को तैनात किया गया है। वहीं ये सीरो सर्वे कराने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सारी तैनात टीमों को दिशा निर्देशित किया गया है कि किस प्रकार से सैंपल को लेना है और किस प्रकार से सैंपल को लेकर सावधानी बरतनी आवश्यक होने वाली है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में मेट्रो ट्रेन दौड़ने के लिए कार्यों में फिर से तेजी दिखाई दे रही है, जहां आगामी 20 से 22 अगस्त तक प्रोजेक्ट को लेकर काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि कोरोना काल और अन्य कारणों के चलते लंबे समय से रुके मेट्रो प्रोजेक्ट को आगामी सप्ताह में फिर से गति मिल सकती है। इंदौर की नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट में कॉरिडोर को लेकर सांसद शंकर लालवानी बैठक ले चुके हैं। वही जमीन के अलॉटमेंट के विषय में भी कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह सहित अधिकारी चर्चा कर चुके हैं। साथ ही निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर फिलहाल तैयारियां कर ली गई है। निगम आयुक्त ने कहा कि आगामी 20 से 22 अगस्त तक मेट्रो प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर जो अपना प्रायोरिटी कॉरिडोर है, उसके संबंध में माननीय PS महोदय द्वारा भी अभी बैठक ली गई थी, माननीय सांसद जी द्वारा भी एक बार रिव्यू किया गया था, कलेक्टर सर, कमिश्नर सर ने भी उसके जो लैंड अलॉटमेंट के विषय हैं उनके सभी बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 20 तारीख से मोबिलाइजेशन शुरू हो गया, 20 तारीख से जो काम चल रहा था वो शुरू हो जाएगा, और उससे आगे की क्या तैयारियां हैं उसके संबंध में भी टीम ने अपनी पैरेलल तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। जो ये प्रायोरिटी फेज है उसमें लाइन के साथ साथ में सभी स्टेशंस बनाने के लिए भी टेंडर्स। तो मेट्रो का काम एक बार फिर से इंदौर में शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि लंबे समय से रुके मेट्रो प्रोजेक्ट के कार्य को 20 अगस्त से एक बार फिर से गति मिल सकती है। आपको बता दें कि मेट्रो प्रोजेक्ट जो काफी समय से इंदौर में पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसको फिर से लागू करने की बात की जा रही है। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है, जहां उन्होंने बताया है कि मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर फिलहाल तैयारियां की जा रही हैं, आगामी 20 से 22 अगस्त तक मेट्रो प्रोजेक्ट के काम को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। रायसेन के बेगमगंज सावन माह के तीसरे सोमवार में बम बम भोले के नारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि शिवालय क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह राजपूत के पुत्र दुर्गेश प्रताप सिंह राजपूत ने कांवड़ियों को श्री फल देकर उनका स्वागत किया। बोराज घाट से प्रारंभ हुई पैदल कांवड़ यात्रा बेगमगंज सिद्ध शिवालय धाम पहुंची, जहां पर कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं स्वागत करने के लिए क्षेत्रीय विधायक के पुत्र दुर्गेश प्रताप सिंह, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष कमल साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश ताम्रकार और अन्य कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। तो रायसेन में आज कांवड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि आज तीसरा सावन का सोमवार है, जिसके बाद आज शिवालयों में बम बम भोले के नारे गूंजे। आपको बता दें कि कांवड़ियों का रायसेन में जोरदार स्वागत किया गया है, जिसका स्वागत करने के लिए क्षेत्रीय विधायक के पुत्र दुर्गेश प्रताप सिंह और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं रतलाम के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में जिले में अवैध गतिविधियों और माफियाओं के विरुद्ध अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत जावरा अनुविभाग क्षेत्र में दो ढाबे जमींदोज किए गए। SDM जावरा हिमांशु प्रजापति के मार्गदर्शन में शासकीय अमले ने अमट पालिका और हसन पालिका में दो ढाबों पर कार्यवाही करते हुए करीब 22 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया है। ये ढाबे बिना अनुमति के निर्मित किए गए थे और इनकी अवैध शराब विक्रेताओं से संलग्नता भी साथ में दिखाई दी थी। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा उक्त कार्यवाही करते हुए इनके संचालकों के विरुद्ध भी मामला दर्ज कर लिया गया है। तो जावरा में प्रशासन एक्शन मोड पर दिखाई दिया है। आपको बता दें कि अवैध संपत्तियों पर सरकार ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रतलाम में भी
अवैध गतिविधियों में शामिल और अवैध गतिविधियां करने वाले माफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। डीएम ने इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब दो ढाबों को आज जमीन दोस्त किया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों ढाबों को जेसीबी की मदद से जमीन दोस्त कर दिया गया। एसडीएम जावरा हिमांशु प्रजापति के मार्गदर्शन में शासकीय अमले ने उमट पालिका और हसन पालिका में इन दोनों ढाबों को जमींदोज कर दिया है। आपको बता दें कि करीब 22 लाख रुपए के अवैध संपत्ति थी ये, जिनको तोड़ दिया गया है। साथ ही आरोप लगाया गया था कि ये ढाबे बिना अनुमति के बनाए गए हैं और इनकी अवैध शराब विक्रेताओं के साथ संलिग्धता पाई गई है, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे मामले पर कार्रवाई की है। इन दोनों ढाबों को जमींदोज कर दिया गया, साथ ही इनके संचालकों के विरुद्ध भी मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से अभियान जारी रखने की बात कही गई है। देश भर के कई इलाकों में मानसूनी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई नदियां और नाले इस वक्त उफान पर हैं। वहीं सिंगरौली में भी बारिश के कारण नदियां इस वक्त उफान पर देखने को मिल रही हैं। आज बंधौरा गांव में पुल के ऊपर करीब 3 फीट ज्यादा पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा था। बावजूद इतने खतरे के बाइक सवार इस पूरे मामले में निकलने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान एक बाइक पुल के ऊपर बने डिवाइडर में फंस गई। इसके बाद तुरंत ही बंधौरा पुलिस ने नदी के पुल के ऊपर छलांग लगा दी और पुल के ऊपर फंसे दोनों युवकों सहित बाइक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल दिया। घटना स्थल पर चौकी प्रभारी प्रियंका मिश्रा भी मौजूद दिखाई दी। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नदी का पुल पार करते हुए दो बाइक सवार पुल में फंस गए। आपको बता दें कि इस वक्त तेज बारिश के कारण कई नदियां इस वक्त उफान पर दिखाई दे रही हैं। सिंगरौली से ही पूरा मामला सामने आया, जहां पर नदियां इस वक्त उफान पर दिखाई दे रही है। वहीं पर यह ताजा मामला देखने को मिला है, जहां पर बारिश के कारण बंधौरा गांव में पुल के ऊपर 3 फीट से ज्यादा पानी बहता हुआ दिखाई दिया। इतने खतरे के बावजूद भी बाइक सवार पुल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान एक बाइक पुल के ऊपर बने डिवाइडर में फंस गई। आपको बता दें कि पानी का इतना तेज प्रेशर था कि दोनों के लिए संभलना मुश्किल हो गया, जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंची बंधौरा पुलिस ने पुल के ऊपर छलांग लगा दी, साथ ही पुल के ऊपर फंसे दोनों युवकों को बाइक सहित कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लगभग 2:30 बजे करीब की घटना है और यहाँ पे खोखरी रपटा है, तो उसके ऊपर से पानी चलने लगा था और हम लोगों के द्वारा बैरिकेड व्यवस्था की गई थी। फिर भी दो व्यक्ति बाइक सहित अंदर आ गए थे पुल के और उनके वो एकदम बहने ही लगे थे। हम वहीं सब उपस्थित थे, तो हम लोग काफी अंदर तक गए और हमारा पुलिस स्टाफ आरएम खैरवार साहब एसआई और रविनंदन तोमर विनय दोहरे प्रवीण तिवारी और हम सभी अंदर जाकर के उनको बाहर लेकर के आए। फिलहाल दोनों सकुशल हैं, बाइक सहित उनको निकाल लिया गया और अभी पुल में पानी भी कम हो गया है जी। आवागमन अभी हम लोगों ने रोका हुआ है, बैरिकेटिंग करा दी। सीहोर के नसरुल्लागंज नगर में अतिक्रमणकारियों के हौसले इस वक्त बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। अतिक्रमणकारियों ने पानी की टंकी के पास एक मकान के एरिया में कब्जा कर लिया है और इन कब्जाधारी लोगों को प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। आपको बता दें कि बिना अनुमति के ही कब्जाधारी लोग मेन सड़क के पास अवैध तरीके से निर्माण करवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी कब्जाधारी कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस संबंध में मुख्य नगर परिषद अधिकारी ने कहा, हम नोटिस अवैध अतिक्रमण को हटवाएंगे। तो इस वक्त सीहोर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर इस वक्त अतिक्रमणकारियों के हौसले साफ तौर पर बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अतिक्रमणकारियों को पुलिस का डर भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरा मामला नसरुल्लागंज नगर का बताया जा रहा है, जहां पर अतिक्रमणकारियों ने पानी की टंकी के पास एक मकान के एरिया में अवैध रूप से कब्जा कर लिया और इन कब्जाधारी लोगों को प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। बिना अनुमति के ही कब्जाधारी लोग मेन सड़क के पास अवैध तरीके से निर्माण कार्य करवा रहे हैं। लगातार वहां पर लोगों का कहना है कि शिकायत की जा चुकी है, पर उसके बाद भी कब्जाधारी कब्जा करने से बाज नहीं आ रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्य नगर परिषद अधिकारी ने बताया है कि इस अवैध अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटवाने का काम शासन करेगा। वहीं इंदौर के खजराना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 10,000 के इनामी भूमाफिया कमलेश जैन को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए इनामी माफिया पर जमीन को लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। बता दें कि भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के तहत कई माफियाओं को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। माफियाओं के खिलाफ भी
पुलिस ने एसआईटी की टीम को गठित कर रखा है जो अलग अलग छापेमार कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया कि आरोपी भूमाफिया दीपक मुद्दा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसके निशानदेही पर और भी आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस वक्त इंदौर की खजराना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने इनामी भूमाफिया को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि भूमाफिया के खिलाफ लगातार मामले दर्ज थे। वहीं इस इनामी बदमाश पर 10,000 का इनाम भी रखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए कमलेश जैन को गिरफ्तार कर लिया है। इनामी माफिया पर जमीन को लेकर धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगा है। साथ ही लगातार भूमाफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसके तहत पुलिस ने एसआईटी की टीम का भी गठन कर रखा है जो लगातार छापेमार कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कवायद में जुटे हुए हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने भी बताया कि आरोपी माफिया दीपक मुद्दा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करनी शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी की निशानदेही पर और भी आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संभावना लगाई जा रही है। ये भूमाफिया कमलेश जैन है जो कि कई दिनों से फरार थे। इन पर इनाम भी घोषित है और इनकी तलाश हम लोग लगातार कर रहे थे। हमारी एसआईटी की जो टीम थी वो भी लगातार इनकी तलाश में जगह जगह छापे मारे थी। अब इनको अभिरक्षा में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है और फिर आगे कार्रवाई करके और इनको हम लोग न्यायालय पेश करके। वहीं इंदौर के छत्रीपुरा थाना प्रभारी पवन सिंघल ने क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों और नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों और अखाड़ों के उस्ताद खलीफाओं के आगामी त्योहार को लेकर उन्होंने शांति समिति की मीटिंग को आयोजित किया है। आपको बता दें कि आने वाले मुहर्रम को लेकर थाने में शांति समिति की मीटिंग को आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठ जनों ने अपने विचार व्यक्त किए और त्योहार को किस तरह से मनाया जाए और इसकी पूरी रणनीति को तैयार किया गया है। साथ ही थाना प्रभारी ने मीटिंग में आए सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। साथ ही बताया गया कि आगामी त्योहार पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर आयोजित नहीं किया जाएगा। कोई चौकी धुलाई का कार्यक्रम, धार्मिक जुलूस या रैली आयोजित नहीं की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर झांकी, मुहर्रम, ताजिए, अखाड़े भी नहीं निकाले जाएंगे। वहीं हीरो मोटोकॉर्प के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कंपनी ने ग्रीन ड्राइव प्रोग्राम के अंतर्गत पूरे भारत में प्लांटेशन का काम शुरू किया है। इसी कार्यक्रम में सिवनी में गायत्री एजेंसी छपारा द्वारा भी पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिष्ठित नागरिकों, पत्रकारों तथा हीरो के ग्राहकों और हीरो के स्टाफ ने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें कि लोगों ने पौधारोपण किया, सभी ने पौधा रोप कर पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया है। तो सिवनी में आज ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहां पर हीरो की तरफ से ये 10 वर्ष पूरे होने पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर तमाम लोग मौजूद रहे और पौधों की रोपाई की गई। साथ ही लोगों ने पर्यावरण को हरा भरा रखने का भी संदेश दिया है। रतलाम के ताल नगर में युवाओं ने विगत कोरोना की पहली लहर से लेकर अभी तक समाज के हर व्यक्ति की मदद के लिए एक सामाजिक ग्रुप एक्मे फाउंडेशन तैयार किया है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो और कैसे भी करके हर व्यक्ति की मदद की जाए। मन में इसी प्रकार का भाव लेकर कोरोना के दोनों लहर के बीच इन युवाओं ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अभी हाल ही में इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मानसिक विक्षिप्त को ये युवक नहलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब इस बारे में इनसे बात की गई तो इन्होंने बताया कि समाज में इस प्रकार के लोगों की मदद करना भी इस वक्त जरूरी है, क्योंकि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और इस बात को देखकर कुछ लोग इनसे दूरियां बना लेते हैं और उन्हें बुरी नजर से देखा जाता है। पर इस वक्त जरूरी है कि सभी लोगों की मदद की जाए। संक्रमण काल में हम सभी को एक दूसरे के लिए मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।